खबर खंडवा से, जहां पर ओमकारेश्वर बांध में लाई जा रही बिना पुनर्वास की डूब के खिलाफ आज ओमकारेश्वर बांध प्रभावितों ने जल संग्रह प्रारंभ कर दिया है। हम आपको बता दें, डूब के गांव कामनखेड़ा में नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख श्री आलोक अग्रवाल के साथ नव बांध प्रभावितों ने जल संग्रह प्रारंभ करने का समय सरकार से मांग रखी है कि बांध में बढ़ाया गया जल स्तर वापस लिया जाए। देखिए पूरी खबर आईबीएन 24 न्यूज पर फरीद मंसूरी के साथ। गांव की लाइट काटी थी भर दिवाली पर, सरकार अंधेरा में रही सका जो बताओ। सरकार की लाइट का भी किसान काटे देगा तो कई करोगे? किसान नहीं कमाएगा, सरकार कहाँ से खाएगा, मजो करोगे? तो मकान तोड़ो, ओका बाद पैसा मिलेगा, और प्लाट 450 बाकी रहे तो मकान तोड़ी सामान कहाँ रख लू? गंजन तोड़ दिया, उनके जवान जवान छोरा छोरी रोड किनारा सामान पड़े, उनका बच्चा नकल पड़े। और जब तक यो फैसलो ले लियो, शपथ ले लियो, आज पानी में बैठे जल सत्याग्रह करे, पहले भी 17 दिन बैठा था, फिर 32 दिन बैठा, तो कफन बांधिन बैठा था, आज भी शपथ लाइन बैठे और कफन बांधिन बैठे। जब तक नहीं पानी उतारेगा, नहीं अधिकार देगा, जब तक नहीं उठेगा पानी में से, चाहे हमारी जान चली जाए। खेतों में कितने लोग फंसे हैं इस समय गांव में, कितने लोग हैं जो रहते हैं इस समय गोगल गांव में? करीब 20 घर है, 20-25 घर है, 20-25 घर के लोग रह रहे हैं, मतलब 100 के करीब लोग वहाँ अभी हैं। 100 के करीब होगा, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। हाँ, बच्चे भी, महिला भी। तो सुना है कि लाइट भी काट दी सरकार के निर्णय लेते। मैं बता रहा हूँ, मैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से मिला हूँ, गोपाल रेड्डी जी से, 21 तारीख को। मैंने कहा मुझे तर्क बताइए, 30 साल नर्मदा की घाटी में लड़ाई लड़ रहा है, कानून बता दो, मुझे तर्क बता दो कि क्यों बांध में पानी भरा जाना चाहिए। कोई तर्क नहीं है, जिस अधिकारी से बात कीजिए कोई तर्क नहीं बताता कि अगर आप 3 महीने बाद भी पानी भरेंगे तो क्या दिक्कत है। और कोई तर्क नहीं है, कानून ये कहता है कि भले 3 साल लग जाए, जब तक पुनर्वास नहीं होता तो आप पानी नहीं भर सकते। देखिए प्रशासन माने ना माने हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो 30 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं। ओंकारेश्वर बांध में तीसरा जल सत्याग्रह कर रहे हैं, पहले 17 दिन, फिर 32 दिन, और एक बार फिर से तैयारी के साथ हम बैठ गए। हमारा निश्चय बिल्कुल साफ है कि भले हमारा जीवन चला जाए, और हम मानते हैं कि अगर हमारे जीवन देने की ताकत होगी और उनमें जरा सी भी अगर संवेदनशीलता होगी तो निश्चित रूप से।